अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। कि आप लोग मेरे भाषण देने के बारे में अक्सर ये चर्चा करते रहते हैं कि बहन जी को बिना पढ़े हुए ही अपना भाषण देना चाहिए तो उसका लोगों के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ये बात आप लोग असर करते रहते हैं और आपकी ये बात सुनकर मेरे कान भी पक गए, जिससे मैं भी, हालांकि आपकी इस बात से मैं भी काफी हद तक सहमत हूँ और आपकी भावनाओं की दिल से कदर भी करती हूँ, लेकिन इस मामले में आप लोगों को मेरे गले की परेशानी को भी जरूर समझना चाहिए, जिसके बारे में मैंने अब तक काफी तकलीफें उठाकर आप लोगों को कभी भी निराश नहीं किया। और इस संदर्भ में आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सन 1996 में मेरे गले का बड़ा ऑपरेशन हुआ था। गले में दो ग्लैंड होते हैं, गले में दोनों तरफ दो ग्लैंड होते हैं जो बॉडी के पूरे सिस्टम को ठीक बनाए रखने में और खासकर बोलने में काफी मदद करते हैं, लेकिन सन 1996 में कुछ कमियों की वजह से गले के दोनों ग्लैंड में से मेरा एक ग्लैंड पूरे तौर से खराब हो गया था, जिसको फिर 1996 में डॉक्टरों ने ऑपरेशन के जरिए गले से उसको बाहर निकाला, एक ग्लैंड निकाल दिया गया, वरना फिर दूसरा ग्लैंड भी खराब हो सकता था। और अब मेरे गले में केवल एक ही ग्लैंड बचा है जिस पर डॉक्टर की सलाह अनुसार ज्यादा दबाव देना, वह ऊंचा बोलना तथा काफी चिल्ला चिल्ला कर एवं जोर लगाकर भाषण देना आदि ठीक नहीं है। और आप लोगों को यह भी मालूम है कि मैं बिना ऊंचा बोले वह गले पर दबाव बनाए बिना कभी भी बरबली अपना भाषण नहीं दे सकती, ये मेरी पुरानी आदत भी है। और इतना ही नहीं बल्कि जब भी मैं डॉक्टर की सलाह ना मानकर बिना पढ़े ही काफी ऊंचा वे जोर लगाकर अपना भाषण देती हूँ तो तब फिर उसका मेरे गले पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और फिर मेरे गले की आवाज भी काफी दिनों तक बैठ जाती है, जिसके लिए फिर मुझे लगभग 10-12 दिनों तक अपने गले को ठीक करने के लिए काफी अंग्रेजी दवाइयां भी खानी पड़ती है, जिसके फिर आगे चलकर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसे ध्यान में रखकर ही अब मुझे मजबूरी में अपने गले के एक बचे हुए ग्लैंड को सुरक्षित रखने के लिए 1996 से मैं एक ग्लैंड से काम ले रही, जिसे ध्यान में रखकर ही अब मुझे मजबूरी में अपने गले के एक बचे हुए ग्लैंड को सुरक्षित रखने के लिए और अंग्रेजी दवाइयों को भी खाने से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह अनुसार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।